हेदर गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई आज है दिवाली का पहला दिन, धनतेरस, और फटाफट से सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो आप सूर्य देवता को नमस्कार करके हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं आज। और सबसे पहले तो आप लोगों को भाई हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली शुरू हो चुकी है फाइनली। आज पहला दिन है और यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह हमारे यहाँ पर रंगोली वगैरह बनना शुरू हो गई है। सभी लोग अपने घर के आसपास भाई रंगोली बना रहे हैं, पानी वगैरह डाल रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भाई दिवाली की। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सारा देखने के बाद। और इस तरह की कुछ रंगोलियां हमारे यहाँ पर बनी हुई है। एंड भाई आज हमारे यहाँ पर एक तितली भी आई थी घर में। तो फटाफट से अपना दिन ख़त्म करके शाम को मैं आ जाता हूँ भाई मार्केट, क्योंकि पूजा के लिए कुछ सामान खरीदना था। तो मार्केट भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। फटाफट से सामान खरीद लेता हूँ मैं यहाँ पर, फूल, दिए, अगरबत्ती, ये सब जो पूजा में लगता है। नेक्स्ट हम निकलते हैं भाई घर के लिए। घर आने के बाद फटाफट दिए कोई अनबॉक्सिंग वगैरह कर लेता हूँ भाई। वैसे अनबॉक्सिंग के लिए कुछ नहीं करनी थी सिर्फ, तो इन सब दियों को मैं निकाल के रख देता हूँ, क्योंकि ये दिवाली के दिन जलाने के काम आएंगे। इन्हीं में हम लोग बत्ती वगैरह डाल के जलाएंगे और दिए से अपने घर वगैरह को सजाते हैं। हर कोई दिया लगाता है भाई दिवाली के वक्त। यहाँ पर मैंने टोटल 21 दिए खरीदे हैं अपने लिए। 5 डिज़ाइन के एक सेट है, 5 डिज़ाइन का दूसरा सेट है, और एक सिंपल वाला है, और एक जो दिया है वो सबसे बड़े साइज़ का है, ये वाला जो देख सकते हो आप। इस पर थोड़ा सा भाई कुछ पाउडर जैसा लगा है, वो इसे धोना पड़ेगा साफ़ करने के लिए। और भाई ये है दिवाली में बनने वाली सबसे स्पेशल चीज़, इसे हमारे यहाँ चकली कहते हैं। वैसे सभी के यहाँ चकली कहते हैं इसे। तो मैंने अपने लिए बॉक्स में निकाल ली, बाद में मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा बाहर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह सजाई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से भाई सजाया है लोगों ने अपने अपने घरों को। तो थोड़ा सा काम था मुझे शाम को, मैं बाहर निकल जाता हूँ भाई और फटाफट काम निपटा के फिर हमें फटाखे भी लेने हैं। तो काम निपटा के बस मैं फटाखे की शॉप पे जा ही रहा होता हूँ, उसके बाद हम लॉक कंटिन्यू करेंगे। तो भाई फटाखे की शॉप पे काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करने मिला नहीं, तो मैं सीधा सीधा घर आ गया भाई पटाखे ख़रीद के। यहाँ पर देख सकते हो एशियन फायरवर्क्स का मेरे पास एक पूरा थैला है जिसमें मैंने कुछ पटाखे लिए हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को कौन से पटाखे हमने आज ख़रीदे हैं। यहाँ पर है एक स्काई शॉट का डब्बा मर्करी कंपनी का, ये हमें पड़ा है 350 रुपये का आज रिटेल प्राइस में दिवाली के दिन ही। और नेक्स्ट है हमारे पास में ये मैजिक मिक्स 5-in-1 कलर पेंसिल्स, कलर स्पार्कल्स, फुलझड़ी होती है अलग अलग कलर की, 5 अलग कलर की फुलझड़ी है। इसका प्राइस 170 रुपये पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास है सिंपल वाली फुलझड़ियाँ, 5 डब्बे 250 रुपये के, एक डब्बे के अंदर 10 पीस होते हैं। तो और इसका साइज़ 30 सेंटीमीटर्स है, तो अच्छी खासी फुलझड़ी है भाई, अनार चक्री जलाने के काम आती है। नेक्स्ट है भाई सबका फेवरेट कोक का पिंटा स्काई फ्लैश, ये पड़ता है 200 रुपये का, नॉर्मल से ही जैसा हमेशा का होता है वैसा ही पटाखा है। नेक्स्ट है भाई ये किट कैट, ये है भाई चटर पटर वाले अनार, और काफ़ी अच्छे अनार लग रहे हैं देखने पे, तो भाई अनबॉक्स करना पड़ेगा पहले से। 3 पीस की पैकिंग थी भाई 90 रुपये की। तो पहले तो स्काई शॉट निकाल लेते क्योंकि अब पटाखे फोड़ने भी है क्योंकि शाम हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ स्काई शॉट, देखते हैं किस तरीके का है, फिर इसे जला के भी देखेंगे भाई हम लोग। तो 350 रुपये में कुछ इस तरीके के 3 पीस देखने मिलते हैं हमें। और अब हम लोग आ चुके हैं छत पर अपने स्काई शॉट जलाने के लिए। कुछ स्काई शॉट पुराने वाले भी हैं मेरे पास, वो भी जलाऊंगा। तो अब आप लोग सिर्फ स्काई शॉट्स एंजॉय करो और हम मिलेंगे वीडियो के आखिर में।
तो गाइस बस यही था भाई आज की वीडियो में, इस तरीके से हमने अपना धनतेरस मनाया। आपकी दिवाली किस तरह जा रही है भाई कमेंट करके बताना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।